अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, न्यूज़ अलर्ट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राय मोहम्मद हमज़ा। नाज़रीन, 15 पे कॉल मसूल होती है कि नौजवान लड़के ने नौजवान लड़की को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, लाश को जो है तहवील में लेती है, ज़रूरी कार्रवाई के बाद जो है वो लाश वर्सा के हवाले कर देती है। SHO से भी बात करते हैं कि असल मामला क्या मना, और जो मुलज़िम है उससे भी जानने की कोशिश करते हैं कि उसको क्या वजह मनी कि उसने अपनी ही मंगेतर को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। मुलज़िम हमारे साथ मौजूद हैं, उससे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? जवेद इकबाल जी। क्या मामला पेश है, क्यों कत्ल कर दिया अपनी मंगेतर को? बस जी, कोई मसला कोई आ जी, कोई किरदार कोई आ तो उस मार दिता जी। असला कहाँ से लिया? तो पहले रखा हुआ था, प्लान कहाँ पे तैयार किया आपने? ओ जी पठान को लिया। अच्छा, 10 साल हो गए लाए नूंदे जी, फायर मारा। अच्छा, खौफ नहीं आया कि मैं उसको कत्ल कर रहा हूँ फिर गिरफ्तार हो जाऊँगा? कोई तो खौफ नहीं दिल में पैदा हुआ? खौफ जी बड़ा आया जैसे मार लिया। अच्छा, अकेले ही था या कुछ साथ मशवरा देने वाला बंदा था? कोई और बंदा जी, कोई नहीं, कोई सलाह मशवरा किसी ना कोई नहीं। अब एहसास हुआ है आपको? एहसास जी है भैया, बिल्कुल जी। अब सजा तो मिलेगी ना आपको? हाँ जी। तो पहले सोचना चाहिए था ना ये? बस जी गलती होगी। नाजरीन, SHO थाना सईद वाला आरफ बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक जी, अल्लाह का शुक्र करम है। सर आप बताएं, आपके इलाके में जो है वो ख़तरनाक किस्म का वो कत्ल हुआ है, तो असल वाक़या क्या पेश आया, कैसे कत्ल हुआ और मुलज़िम जो है वो किस तरीके से आपने ट्रेस किया, हकीकत क्या है इसमें? यहाँ हमारे एरिया में हैबो की बाला एक गाँव है, ये थाना से तकरीबन काफ़ी दूर है, दरिया के करीब है। तो वहाँ का मोहम्मद अली नामी आदमी रहता है, उसकी बेटी की मंगनी मोहम्मद जवेद नामी, उसका कज़न ही लगता है, उसके साथ हुई थी। वो रिश्ते के जो है हुआ है, उसकी शादी के इसरार कर रहा था कि फौरी शादी कर दो, फौरी शादी कर दो, लेकिन वो जो है मोहम्मद अली वो गरीब आदमी था, वो कह रहा था अभी चंद दिन दो, मैं अपने बेटे और बेटी की दोनों की इकट्ठी शादी करूँगा। तो ये जो मुलज़िम है जवेद, इसने गुस्से में आकर जो है ना उसके घर गया, तो वहाँ उसने उसको कारबीन का फेर मारा, मौके पे उसकी डेथ हो गई है, खुद ये फरार हो गया। इसको जो है ना दो दिन बाद हमने जदीद टेक्नोलॉजी से ज़ाती तगादो ज़ाती पेन लेकर उसको रेस्ट किया। सैयद वाला के आम शहरियों को क्या पैगाम दें? सैयद वाला के आम शहरियों को मेरा पैगाम है कि आप मुतमिन रहें, इंशाल्लाह सैयद वाला को जो है ना क्राइम फ्री बना दूँगा मैं, मेरे पे इतमाद रखें, मुझसे तावन करें, मुझे जो है ना बर वक्त जो भी क्रिमिनल है आपके नॉलेज में है या कोई वारदात का है करता, मुझे खुफिया तौर पर बता दें, मैं उसका कलाकमा करूँ।